बाल कह रहा है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि एक शंकु है और उसका पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। यदि त्रिज्या त्रिज्या जो है उसका दे दिया है 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिख दिया यहाँ त्रिज्या बराबर आर को मानते हैं और तिर्यक ऊंचाई को एल को मानते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया आर और 5 सेंटीमीटर, एल और 13 सेंटीमीटर। तो अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यहाँ पर देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या इसमें पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एल प्लस, यहाँ पर एक आर बच जाएगा क्योंकि एक आर यहाँ आ गया है, तो एक आर यहाँ पर बच गया यानी त्रिज्या। अब क्या करना है हमको, इसका मान बैठा देना है। देख रहे हैं कि पाई का मान तो सभी जानते हैं कि 22/7 होता है, फिर गुना आर का मान 5 है तो 5 दे दीजिए, उसके फिर ब्रैकेट ब्रैकेट दे दीजिए, एल का मान 13 है तो यहाँ पर 13 लिख लीजिए प्लस आर का मान 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट ऑफ। अब क्या करना है, ये कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110/7 और फिर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इधर 18। अब इसको क्या करिए कटा दीजिए या तो फिर गुना कर दीजिए, अगर इसको पूरा गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1980, 1980/7 हो जाएगा। अब इसे आप कटा सकते हैं तो इसको कटाइएगा 2 बार में तो 7 × 2 = 14 कट जाएगा, बच जाएगा कितना उसमें 5, तो 68/56 यानी कि 68/56 कट गया, बच गया उसमें कितना फिर 2 तो 20 हो गया, तो 14 कट जाएगा 7 × 14 2 बार में कट जाएगा तो कितना 20, 20 में 14 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 6 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो आपका आ गया 282.67 क्योंकि 6 बचा था तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 282.67 सेंटीमीटर, और आप यहाँ पे ये या का चिन्ह